हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, उस दिन आयान मॉम एंड ब्यूटी की रमा ने हमसे मना कर दिया था। तो वो कह रही थी कि हम घूमने जा रहे हैं, तो अब उन्होंने हमसे बोला है कि हम आपके यहाँ पर कल आएंगे करीब 3-4 बजे। तो फ्रेंड्स, जब वो आएंगी तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, हम कल मिलते हैं करीब 3-4 बजे। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे मटर आलू की सब्जी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गैस को ऑन करके और गैस पे रख देंगे कढ़ाई। तो इसमें हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड किया है और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच जीरा। हमारा जीरा भी चटक गया है। डालेंगे हम 1 प्याज, 2 कीवी, 2 और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, गोल्डन नहीं हो जाए तब तक। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम इसको चलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरह से हमारी प्याज फ्राई हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसी के चलते इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें हमको ज़्यादा नहीं डालना है। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो हमारी टमाटर आलू का पेस्ट कम हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारी ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अदरक लहसुन, तो हमारी अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं, तो हम इसमें डालेंगे 1-2 टमाटर का पेस्ट। इसको मिक्स करना है। इसी के चलते हम इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, मिक्स करेंगे मसाले। फ्रेंड, उसी वक्त में डालेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। इसमें हम डालेंगे फ्रेंड 2 हरी मिर्चें, हमने साबुत इसमें डालेंगे। इससे फ्रेंड बहुत ही अच्छा हमारा सब्जी का टेस्ट आता है। हमारे मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। इसमें हम डालेंगे अच्छी तरह से वॉश करके और कट कर लिया है। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इनको भी फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। इसमें डालेंगे फ्रेंड पानी। फ्रेंड, ग्रेवी आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको कैसा पसंद है, गाढ़ा या पतला, पानी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। इसमें इसमें डालेंगे हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, बेकिंग पाउडर आप पहले भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड, इसको हम 5 मिनट के लिए ढकेंगे, ढककर पकाएंगे ताकि हमारे आलू अच्छे से कुक हो जाए। हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपनी सब्जी को भी चेक कर लेते हैं। हमारे आलू अच्छी तरह से कुक नहीं हुए हैं अभी। यहाँ पर एक कटोरी में मटर ले लिए हैं, अच्छे तरह से इनको धो लिया है। इसमें डालेंगे हम कस्तूरी मेथी 1/2 चुटकी। इससे बहुत ही अच्छी सुगंध आती है। इसी के चलते इसमें जाएगा गरम मसाला 1/2 चम्मच। तो इसको हम 5 मिनट तक और करेंगे ढककर। तो फ्रेंड्स, एक बार और इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल गए हैं। ग्रेवी आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको कैसी पसंद है, गाढ़ी या पतली। धनिया कटा हुआ 1 चम्मच, खटाई सब्जी मसाला। फ्रेंड्स, सब्जी मसाले से हमारा
सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बनती है सब्जी, इसको मिस ना करें। हमारी सब्जी बिल्कुल बनके तैयार है और गैस को हमने ऑफ कर दिया है। गर्म प्लेट में हमारी गर्मा गर्म सब्जी बनके तैयार है और इसको हमने सर्व बाउल में भी निकाल लिया है और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप इसको रोटी परांठा या पूड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और फ्रेंड्स इसको राइस के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, वो काफ़ी टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप इसको एक बार ज़रूर फॉलो करें। अगर हमारी वीडियो आपको ज़रा सी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स, हम एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।